हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 18 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई आज हमारी, वो आई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके। न्यूज़ तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कैसे इसके चार्जेस लगते हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट हैं, वो देखने को मिलते हैं। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवमानना, यानी कोर्ट ने जो भी डायरेक्शन दी है, जो भी ऑर्डर दिया है, गाइडलाइन दी है, उनको अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देती है कि भी आपने कोर्ट के जो गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर है ना, वो एक तो दी गई है हाई कोर्ट को और एक दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब कि हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही केवल दो ऐसे कोर्ट हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्ज है, सजा है, वो दे सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर दिया और अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज नहीं लगा सकता, या तो हाई कोर्ट लगा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको क्लियर रखना है। देखो, हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस या ऑर्डर को नहीं माना जाता है या कोर्ट के जो अवहेलना होती है, उसके लिए एक्ट बनाया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट, यानी कि सिविल तरीके से आपने कोई कंटेम्प्ट किया है। एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में? सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दी है अपनी, या फिर कोई भी अपनी डायरेक्शन दी है, कोई भी ऑर्डर दिया है, कोई भी रिट की जारी की है, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट जारी किया जाएगा सिविल कंटेम्प्ट कि भी आपने कोर्ट के जो गाइडलाइंस, जो ऑर्डर, डायरेक्शन है, उनको फॉलो नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आप सिविल कंटेम्प्ट का चार्ज लगता है। और वहीं अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कर देता है, जैसे कि कोर्ट का कोई काम करने में बाधा पहुंचा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, या फिर कोई अटैक वगैरह कर देता है किसी टाइप का, तो उस कंडीशन में हो जाता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सज़ा है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा कठोर टाइप की आप बोल सकते हो सज़ा इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो देखो, सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, वो दी गई है आर्टिकल 129, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा है वो प्रोवाइड करवाता है। और वहीं अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है आर्टिकल 215 के तहत। एक आर्टिकल ये भी ध्यान रखना, आर्टिकल 142 का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है वो कंटेम्प्ट के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन है पनी से वो किसी भी पर्सन को कर सकती है। तो ये आर्टिकल 142 ध्यान रखना, आर्टिकल 129 और 215 है, आर्टिकल 215 वो क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है आज, वो है राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में। न्यूज़ या कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट ये है कि राजस्थान की एक स्कीम थी जिसका नाम था राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इस स्कीम को अभी हमारे देश में जो एक मिशन चलाया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन, यह जो मिशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडरगत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन। मतलब कि हमारे देश में हेल्थ है, इसको इम्प्रूव करना है, काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, इनको प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए ऐसी स्कीम चलाई गई है। तो ये जो राजस्थान की स्कीम थी ना, इसको फर्स्ट रैंक दी गई है इस योजना को, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है क्या। देखो, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2011 में गांधी जयंती ने 2 अक्टूबर को इसको लॉन्च है वो किया गया था। इस स्कीम के दो कंपोनेंट है इस योजना के। एक तो है फ्री मेडिसिन। इस स्कीम के तहत जो भी पेशेंट होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, तो उनको फ्री मेडिसिन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। कौन सी मेडिसिन होती है ध्यान रखना? जेनरिक मेडिसिन। जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेंटर्स में। और वहीं दूसरा कंपोनेंट ये है कि फ्री टेस्ट, कि जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया के जो टेस्ट वगैरह इस तरह के, वो टेस्ट भी फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि हमारे देश में जो हेल्थ सेक्टर है, या आप बोलो कि हेल्थ के मामले में इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम का काफ़ी बड़ा योगदान है वो रहा है। तो इन्हीं एरिया के मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने राजस्थान मुख्यमंत्री दवा योजना को फर्स्ट रैंक दी है इंडिया में कि भाई बहुत अच्छा काम इस स्कीम है वो कर रही है। तो यूपीएससी स्कीम के बारे में पूछ सकती है, या फिर आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कैसे अभियान चला सकती है, फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप वगैरह। देखो, ये जो स्कीम है राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई थी राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, RMSCL। तो ये क्या करती है, ये इस स्कीम को दवाई प्रोवाइड करवाने का काम है, टेस्ट वगैरह सारे काम
इस बॉडी के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा करवाए जाते हैं। अब देखते हैं कुछ कंटेक्स्ट की और एक दो न्यू पॉइंट्स। जैसे कि बताया गया आर्टिकल में कि लगभग जो राजस्थान गवर्नमेंट है वहाँ पे 94.59% जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ही जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वैक्सीनेशन हुआ या फिर और जो मैनेजमेंट सिस्टम हुआ प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर का, वहाँ पे भी ड्रग्स की एक्सेस है वो है 84.76%। यानी कि राजस्थान ने इस एरिया में या हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए इस स्ट्रेंथ के तौर पर इनको रखा गया है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन खैर हम चलो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको जो न्यूज है उनको कवर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है निष्ठा के बारे में। देखो निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के बारे में। यह जो स्कीम है या ये जो प्रोग्राम है ना, वो वैसे तो HRD मिनिस्ट्री का है और अभी ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है यूनियन टेरेटरी में, तो वहाँ उसी को लेकर न्यूज आई है। स्कीम क्या है, इस स्कीम का या इस मिशन का मोटो ये रखा गया है कि जो एलिमेंट्री लेवल है जहाँ पे हम बात करें टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, तो अच्छी ट्रेनिंग उनको मिल सके। मतलब कि निष्ठा प्रोग्राम है वो टीचर्स को ट्रेनिंग है या टीचर्स की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए चलाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये ध्यान रखना कि टीचर्स की स्किल डेवलप करने के लिए, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए निष्ठा अभियान चलाया गया है, ना कि स्टूडेंट वगैरह के लिए। इसमें फिर आगे दिया गया है कि जो लगभग 42 लाख जो पार्टिसिपेट हैं वो टीचर्स में करेंगे। इसके साथ स्कूल के जो एलिमेंट्री लेवल है यानी प्राइमरी लेवल है और भी जो लेवल्स हैं उन पे एजुकेशन की स्किल है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना निष्ठा जो प्रोग्राम है वो टीचर्स को स्किल प्रोवाइड करवाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लोटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट OCASE। देखते हैं क्या है। देखो सेंट्रल जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो CBI है ना, उसने अभी एक अपना नया सेटअप स्थापित किया, या बोल सकते हो कि जो हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है ऑनलाइन, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके ऊपर लिमिट लगाने के लिए एक अपना नया सेटअप बनाया है जिसका नाम ये रखा गया है OCSAE, यानी कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ताकि जो भी हमारे देश में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होती है या कहीं भी लगता है कि भाई चाइल्ड को अब्यूज किया जा रहा है, उनको पोर्नोग्राफी में धकेला जा रहा है, उन जैसे क्राइमों को रोकने के लिए इस सेल का निर्माण है वो किया गया है CBI के अंडर। तो यह ध्यान रखना कि दिल्ली में इसको सेटअप वो किया जा रहा है, किस लिए वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश में जो चाइल्ड्स राइट है इनको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट के द्वारा या CBI के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है सिसेरी रिवर ब्रिज के बारे में। देखो सिसेरी रिवर ब्रिज है ये कहाँ पे है, ये है नॉर्थ ईस्ट में, और आपको तो नॉर्थ ईस्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आजकल गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस रहता है। इसी के साथ ही हमारे जो ईस्ट एशिया पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और गवर्नमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्ट भी उस सेक्टर में लगातार करती जा रही है। तो जो सिसेरी रिवर ब्रिज है ये कहाँ बनाया गया है, सिसेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग वैली है, दिबांग घाटी है, वहाँ पे। न्यूज़ अभी आई थी कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो सिसेरी रिवर ब्रिज था इसको भी एक तरीके से इनोग्रेट है वो किया था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो ब्रिज है वो लगभग 200 मीटर लंबा एक ब्रिज है जो कि दिबांग और सियांग वैली को कनेक्ट है वो करने वाला है। यानी कि दिबांग को सियांग से कनेक्ट करने की जो वैली है इसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है सिसेरी रिवर ब्रिज। अब एक ये UPSC पूछ सकती है कि बनाया किसके द्वारा गया है, तो यह बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये बताओ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये ध्यान रखना रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का नहीं है, ये है डिफेंस मिनिस्ट्री का। तो ये चीज़ आपके लिए रखना कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक आप बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट है जो कि बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट है उस एरिया में काम करने के लिए रोड वगैरह बनाने के लिए फोकस है वो करता है। क्योंकि मेनली तो जो रोड वगैरह बनाने का काम है वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का होता है, बट बॉर्डर वाले एरिया में इसका काम है वो BRO के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रोजेक्ट भी था जिसके तहत बनाया गया है, प्रोजेक्ट का नाम देख लेना ब्राह्मणक। ये जाना का प्रोजेक्ट ब्राह्मणक के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्रिज का निर्माण है वो किया है। फिर बेनिफिट क्या होगा, देखो उस वाले एरिया में चाइना की प्रेजेंस लगातार बढ़ती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो हम बात करें तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा, ताकि जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे उसको कनेक्ट है वो किया जा सके। अब हम थोड़ा देख लेते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना वो हमारे देश में 1986-87 के तहत स्टार्ट है वो किया गया था, क्योंकि जो सिसेरी रिवर ब्रिज है वो इसी प्रोग्राम के तहत है वो बनाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ना
वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट है वो किया जाता है। सेटअप कब किया गया था इस प्रोग्राम को, 1986-87 के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे पाकिस्तान लगातार मतलब अटैक पे अटैक किए जा रहा था, तो स्टार्टिंग में जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, मेनली पाकिस्तान वाले बॉर्डर स्टेट्स हैं, उन पे इसका फोकस था कि भाई उन एरियो में डेवलपमेंट किया जाए ताकि वहाँ पे जो घुसपैठ होती है, इलीगल स्मगलिंग वगैरह होती है, पोचिंग वगैरह, इनको रोका जा सके। तो स्टार्टिंग में तो जो पाकिस्तान के बॉर्डर कौन से हो गए, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, तो इन्हीं स्टेट्स में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया ताकि बॉर्डर वाले एरिया में डेवलपमेंट है अलग से प्रोग्राम चलाए जा सके, जो काउंटर है चीज़ों को वो किया जा सके। इसके बाद में धीरे धीरे डिपार्टमेंट जो ये प्रोग्राम है वो और जो बॉर्डर स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, इधर बिहार भी हो गया, यूपी, इन सारे स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाने लग गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो होम मिनिस्टर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका काम है वो, और डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। इम्पो एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना कि इसके तहत जो भी फंड मिलता है, यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सारी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और ये नॉन लैप्सेबल होती है। नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब होता है, देखो हम देखते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हर साल बजट पारित होता है, इसके बाद में जो पैसा है वो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको नॉर्मली एक साल के लिए मिलता है, कि एक साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है तब तक के लिए मिलता है। अगर मान लो कि कोई भी डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, इसको मान लो कि 100 करोड़ रुपए दिए इस बार के बजट में, और जब अगले साल ये सेशन पूरा हो गया, मतलब आप बोल सकते हो फाइनेंस ईयर, तो उस दौरान ने मान लो कि इसने 90 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं, यानी कि 90 करोड़ खर्च करें, 10 करोड़ बच गए, तो 10 करोड़ रुपए है ना वो लैप्स हो जाते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि पड़े ही रहेंगे उसके डिपार्टमेंट के पास, नहीं, वो खत्म हो जाएंगे, फिर से नया बजट है उनको दिया जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। इसमें क्या है, जैसे इस बार 100 करोड़ रुपए देंगे, बाई चांस ही मान लो कि 80 करोड़ ही खर्च करे इस बार, तो जो 20 करोड़ है ना वो अगले साल के लिए सेफ रहेंगे, अगले साल भी मान लो नहीं खर्च किए तो अगले साल मतलब लैप्स नहीं होने वाले, वो ऐड होते रहेंगे रोल आउट, जैसे कैसे इंटरनेट रोल आउट का प्लान होता है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि नॉन लैप्सेबल रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है ताकि डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जा सके रिमोट एरिया में। क्योंकि देखो बॉर्डर वाले एरिया में क्या है, डेवलपमेंट काफ़ी कम होता है, और इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि अगर लोगों के पास उनकी जो लाइवहुड है, आजीविका चलाने के सोर्सेज अच्छे नहीं रहेंगे, तो वो लोग गलत एक्टिविटीज़ को या फिर गलत प्रैक्टिसेज को अंजाम दे सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए ताकि नेशनल और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे शांति स्थापित की जा सके और घुसपैठ जैसी चीज़ों को रोका जा सके। तो इसीलिए प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल है वो भी साबित रहा है। अब हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं न्यूज़ को, फिर हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जाना था कि दो टाइप के होते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे जाना कि राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत फर्स्ट रैंक दी गई है, कि भाई इस स्कीम ने बहुत अच्छा काम किया है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने के एरिया में। इसके बाद ही हमने निष्ठा प्रोग्राम के बारे में जाना, HRD मिनिस्ट्री का है, काम क्या है इसका, टीचर्स को स्किल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाने के लिए। इसी के साथ हमने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट के बारे में जाना, जो कि CBI के अंडर सेटअप की गई है ताकि जो हमारे देश में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज होते हैं उनको रोका जा सके। इसी के साथ हमने सिसेरी रिवर ब्रिज के बारे में जाना, और हमने बाद में यहाँ पे देखा कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो क्या है। ये तो देखी थी आज हमने इंपॉर्टेंट जो हमारी हेडलाइंस थी या न्यूज़ थी। और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह जो इंडेक्स है वो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटरनेस है के द्वारा जारी किया जाता है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि तमिलनाडु है जो इंडिया का मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट है, मतलब तमिलनाडु है वो नंबर वन रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है आपको कि जो टॉप 10 मेजर स्टेट्स हैं ना वो हैं या तो साउथर्न स्टेट्स हैं या फिर वेस्टर्न स्टेट्स हैं, मतलब साउथ और वेस्ट वाले जो स्टेट्स हैं नॉर्मली वही टॉप 10 में रहे हैं, बाकी नहीं रहे हैं। आपको पूछा कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो देखो अभी आई थिंक ज़्यादा नहीं तो लगभग 10-15 दिन पहले ये न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ना 2019 का, इसमें कर्नाटका ने टॉप किया है ना कि तमिलनाडु ने, तो इसका मतलब इसका आंसर है वो यहाँ पे दूसरा है, वो तो साफ साफ गलत हो गया। तो आप दूसरे को एलिमिनेट करोगे तो ए भी गया, बी भी गया और डी भी गया, तो बचा क्या, सी। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो एग्जाम में इसी तरीके से एलिमिनेट करके आपको चलना होता है, बस आपको अगर पॉइंट पता है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है तो आप क्वेश्चन को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर आपको कन्फर्म पता हो कि ये स्टेटमेंट सही है या ये गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहा गया है कि जो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है
उसके द्वारा FSM जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो लार्ज स्केल फूड बिजनेस है ना वो इस स्कीम के तहत सपोर्ट है, वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपको बताना कि करेक्ट कौन सा है यहाँ पे। तो आप आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक बार सोच के देखिए कि क्यों लार्ज स्केल बिजनेस जो फूड बिजनेसेस ग्रुप है इन्हीं को थोड़े शामिल किया जाएगा। ये तो बात कुछ जमी नहीं, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो रहेगा माइक्रो एंड स्मॉल जो फूड बिजनेस ग्रुप है ना उनके ऊपर। तो मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको प्रमोट करने में और जो फूड की क्वालिटी है इसको इंश्योर करने के लिए ये प्रोग्राम है FSSA के द्वारा जारी किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लार्ज स्केल के लिए नहीं है ये केवल माइक्रो एंड स्मॉल जो फूड बिजनेस ग्रुप है उनके लिए। तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर सकते हो। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।